नमस्कार, युवा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में फिर से अफगानिस्तान की बात करना चाहूँगा। अफगानिस्तान में आज तालिबान का कब्जा है, किस तरीके से हुआ हम सबके सामने है। मैं आज इस तरह की विवेचना लेके सामने आ रहा हूँ आजकल, उसका मतलब ये नहीं है कि मेरा जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको देना मैंने बंद कर दिया, वो इक्वली चलती रहेगी। मुझे लगा कि मेरा फर्ज है कि इन मुद्दों पर मैं अपना आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण है वो रखा करूँ। विषय ये है कि क्या भारत सरकार को तालिबान को मान्यता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। आज मैं खबरों में सुन रहा था, जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई तालिबान की तरफ से, उसमें बड़ी बहुत सारे लुभावनी बातें सामने आई। अब पता नहीं कि वो आगे फ्यूचर में ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। हमारी सरकार का जो मकसद है, जो शुरू से रहा है, अफगानिस्तान से पहले हम अफगानिस्तान के लोगों की चिंता करते हैं। हमारे लिए वहाँ के लोगों की आज़ादी और उनका रहन सहन और उन पे कोई आक्रामक हमले ना हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कल की कॉन्फ्रेंस में तालिबान ने बहुत शांतिप्रिय बातें कही, बहुत अच्छी लगने वाली बातें कही, कि जिससे ऐसा लगा कि अभी ये तो बिल्कुल बदल रहे हैं, और अगर वो कर देते हैं ऐसा जैसा उन्होंने कहा वैसा वो बिल्कुल उन सब चीज़ों पर खड़े उतरते हैं, तो मेरे ख्याल से तालिबान में शांति स्थापित होने के पूरे चांसेस हो जाएंगे अगर वो करते हैं तो। लेकिन बंदूक वाले भाइयों का कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। ये एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है कि भी हमारा प्रोडक्ट कितना बढ़िया होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, इस तरीके से होगा, हम सभी की रक्षा करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, एजुकेशन को बढ़ाएंगे और दूसरे देशों के साथ संबंध को बढ़ाएंगे, हमारी धरती का प्रयोग कभी भी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होने देंगे, यहाँ के नागरिकों के सम्मान की रक्षा करेंगे और उन सबको माफ़ कर देंगे। कर दिया है जिन्होंने हमारे खिलाफ युद्ध लड़ा है, हालांकि ये बहुत बड़े धरती की बातें हैं, आम धरती की बातें नहीं हैं, लेकिन खतरा इस बात का हो रहा है कि ये एक एडवर्टाइजमेंट हो सकती है। अगर ये एडवर्टाइजमेंट है तो फिर सोचना होगा हमारी सरकार को, कि देखना होगा, रुकना होगा। मान्यता देनी चाहिए, वो पार्शियल मान्यता देनी चाहिए, ये सब बात की बातें हैं। पहले देखना होगा कि हमारे अफगान भाइयों को किस तरीके से रखा जा रहा है, उस देश को किस तरीके से डायरेक्शन दी जा रही है, पहले की तरह कुछ रातों में जा रहा है, क्योंकि अफगानी जिस तरीके से युद्ध मैदान छोड़ के भाग गए हैं, उनके नेता भाग गए हैं, तो हमारी सरकारों को भी जो है ना सोचने का ये नहीं समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से सोचना शुरू करें, किस तरीके से इनको सपोर्ट करें। जो लोग युद्ध का मैदान छोड़ के भाग गए, उन्होंने किसी प्रकार की कोई ट्राई नहीं की, उनको किस तरीके से हेल्प किया जाए, ये बड़ी विडंबना पैदा हो गई वहाँ की गवर्नमेंट के लिए कि किस तरीके की सोसाइटी वहाँ पे बिल्डअप होगी, कैसे अब ये अफगानी लोग वहाँ पे अपना सम्मान प्राप्ति करेंगे, क्योंकि ये जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ अफगान के लिए। खैर, जो हुआ वो तो चीज़ वापस आ नहीं सकती, जो भी हुआ, लेकिन तालिबान की तरफ से जो गोल आ रहे हैं वो भी एडवर्टाइजमेंट ही मान के चलना चाहिए। इस पर तुरंत कोई भी निर्णय हमें नहीं लेना चाहिए, ये मेरा आध्यात्मिक मंतव्य है। और बाकी वहाँ की जो आवाम है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो बाशिंदे हैं, और मैं इस बात का स्वागत करता हूँ कि भारत सरकार ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए एज ए शरणार्थी वेलकम किया है। बहुत सारे देशों ने मना भी कर दिया, उनके पड़ोसियों ने, खासतौर पर पाकिस्तान ने, ईरान ने और उज़्बेकिस्तान ने और हंगरी ने, तुर्की ने, बहुत सारी कंट्रीज़ ने मना कर दिया, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ ने हाँ भी की है। भारत के अलावा ब्रिटेन है, अमेरिका है, तजाकिस्तान है और कई कंट्री हैं जिन्होंने हेल्प के लिए बोला है कि हम हेल्प करेंगे, और आपको अगर आप आना चाहते हैं हमारे देश में एज ए शरणार्थी तो आप आ सकते हैं। शांति जो है ना पूरे वर्ल्ड की मुख्य बात है। अगर वहाँ शांति स्थापित होती है, अगर हमारे अफगानी भाइयों को उनका आत्मसम्मान भरा जीवन दिया जाता है, अगर वहाँ की बहनों को, महिलाओं को एक उचित आज़ादी दी जाती है, तो इसके बारे में
हमारी भारत सरकार को तब सोचना शुरू करना चाहिए और हमारे लिए ये अफगानिस्तान ही रहेगा ऐसा हम मानते हैं, ऐसा हम समझते हैं एज ए भारत के नागरिक। अफगानिस्तान के अतिशीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वहाँ के लोगों को बल दे, शक्ति दे, क्योंकि हम जो खबरें सुन रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशानी हैं। हमारी प्रार्थना है भगवान से, ईश्वर से कि अफगानी लोगों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, यही हमारी मंगल कामना है। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन मंगलमय है।